Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe? You can do anything. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज है अपना डे 21। आज मैंने बैक और बाइसेप का वर्कआउट किया है। आज का वर्कआउट फुल्ली हार्डकोर हुआ है, फुल वेट लगा के मैंने लगाया है, बाइसेप में भी और बैक में भी। पहले बैक लगाया, बैक के चार सेट लगाए, फिर उसके बाद बाइसेप लिया, बाइसेप के चार सेट लगाए। बैक में भी फुल हेवी वर्कआउट किया है और बाइसेप में मैंने आज स्ट्रेट बार से 20-20 मतलब 40 केजी से बाइसेप लगाया है, वो भी 8 रिपीटेशन। स्ट्रेंथ एकदम जबरदस्त हो गई, मतलब पहले जैसी थी वैसी ही स्ट्रेंथ आ चुकी है। आफ्टर 8 मंथ मैंने जिम गया था, फिर भी अभी कितना 20, अभी 4 वीक चल रहा है, तो 4th वीक में फिर से नॉर्मल स्ट्रेंथ आ चुकी है। ऐसा अच्छा लग रहा है, वर्कआउट भी अच्छा हो रहा है और क्रिएटिन की वजह से बहुत ही ज्यादा हेल्प हो रही है। और मसल रिकवरी आप देख सकते हो, मसल रिकवरी बहुत अच्छी हो रही है। बॉडी में से पूरा फैट परसेंटेज चला, मतलब अच्छा खासा कम हो चुका है। आप देख रहे हो पूरे बॉडी में शेप आ चुका है। अभी मैं शर्ट नहीं निकाल रहा हूँ, मैंने बोला था मैं 1.5-2 महीने तक तो शर्ट नहीं निकालूंगा। तो अच्छा खासा बॉडी में फैट परसेंटेज में भी कम हो चुका है। वेट मैंने चेक किया, मेरा वेट था 70 केजी, अभी मेरा वेट है 71.40 ऐसा कुछ समथिंग है वेट। मेरा बॉडी में से फैट बहुत कम हो चुका है लेकिन फिर भी मेरा वेट कम नहीं हुआ है। वेट मेरा फिर भी 1 केजी बढ़ा है, 1 या 1.5 केजी बढ़ा है। तो छोड़ देते, अपन 70 पकड़ लेते, 70 वेट मेरा कांस्टेंट है। फिर मैंने बताया था, मैं डाइट में पूरा कार्ब बहुत ज्यादा और कैलोरीज बहुत ज्यादा कटअप कर रहा हूँ, फिर भी वेट में मेरा कुछ डिफरेंस नहीं हुआ है और बॉडी में फैट बहुत ज्यादा कम हो चुका है और स्ट्रेंथ में मुझे बहुत ज्यादा अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। तो गाइज, अपनी डाइट की वजह से अपने ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज्यादा अपन को हेल्प मिल रही है। तो अच्छा खासा चल रहा है अपना सब कुछ, अपना रूटीन जो है वो अच्छा खासा प्रॉपर चल रहा है। मेरा फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट होता है, फिर भी मैं उसको मैनेज करके अपना वर्कआउट और रेस्ट लेके उसको मैनेज कर रहा हूँ। तो आज एक आपको बता देता हूँ कि 5 बजे मैंने नाश्ते में ना एक रेसिपी ट्राई की थी, स्प्राउट और ऑमलेट, मतलब अंडा और स्प्राउट दोनों से मिला के ऑमलेट बना दिया था। मैं खुद ही बनाता तो ज़्यादा ये हो जाता हूँ ना, तो मैंने खुद ही ऐसा ने ट्राई किया एक ही इस पर ट्राई कर दूँ। तो मैं कल आपको उसकी रेसिपी बताता हूँ, मैंने आज नहीं दिखाई क्योंकि मैं पहले ट्राई करना चाहता था कि उसका टेस्ट कैसा होता है और अच्छा लगता है तो मैं आपको शेयर करता हूँ, इसलिए मैंने आज उसका वीडियो नहीं बनाया। लेकिन टेस्ट अच्छा था और उससे हमें स्प्राउट भी अपने को मिल गए और अंडे से अपने को प्रोटीन भी मिल गया। तो और प्री वर्कआउट में मुझे अच्छे खासा नाश्ता लगा वो, तो मैं आपको कल शेयर करूंगा और उसका रेसिपी मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो चलो अभी अपन वर्कआउट करके आए, प्रोटीन शेक मैंने जिम में ले जाता, अभी मैं घर आ चुका हूँ। अभी चिकन बनाऊंगा और बॉइल्ड चिकन खा के फिर सो जाऊंगा। चलो मिलते हैं, थैंक यू।